हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे बायोकेस एडवांस टेबलेट के बारे में, जो कि ज़्यादातर तब यूज़ में लाई जाती है जब अगर आपके बाल झड़ रहे हों, ज़्यादा झड़ रहे हों, या फिर बाल डैमेज हो गए हों, या फिर बाल सफ़ेद हो रहे हों, तब ये उपयोग में लाई जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। पैकिंग देखिए इसकी, बहुत बढ़िया है। ये जो है 10 गोली के पैक में आती है और इसकी जो मार्केटिंग है डॉक्टर मोरपेन के द्वारा की जाती है। ये जो मैन्युफैक्चर की गई है रेनबो फार्मा के द्वारा ये बनाई गई है और इसकी जो MRP है 211 रुपये है। और ये सभी दवा दुकानों पर मिल जाती है, ये ऑफलाइन भी मिलती है और ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो बायोकेस टेबलेट है मुख्य रूप से आपके बालों के लिए ही बनाई गई है। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हों या बाल ज़्यादा डैमेज हो गए हों तब ये उपयोग में लाई जाती है। और सुंदर बाल शरीर के लिए विशेष रूप से बहुत ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि अगर बाल सुंदर रहेंगे तो व्यक्ति बहुत ही आकर्षित लगता है। जब आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप चिंतित हो जाते हैं, जिसके वजह से आप प्रभावित भी हो सकते हैं। और यह जो कैप्सूल है या टेबलेट है बालों की ग्रोथ के लिए एक पूरक आहार है। और यह जो पूरक है विशेष रूप से तैयार मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्वों के साथ बालों के जो रोम है उसको जो है समृद्ध करने का काम करता है और बालों को पोषण संबंधी समस्याएं भी दूर करने का काम करता है, जिससे कि आपके बाल जो है स्वस्थ रहते हैं और झड़ते भी कम हैं। और यह बालों के लिए एक पूरक आहार है या अच्छा पूरक है। अब जानते हैं हेयर लॉस क्यों होता है। मुख्य रूप से हार्मोनल चेंजेस के वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है और स्ट्रेस या तनाव की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है, या पुअर डाइट की वजह से, यानी आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो या प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो तब भी आपके बाल झड़ सकते हैं, या ओवर स्टाइलिंग की वजह से, यानी कि अगर आप ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहे हो बालों पर तब भी आपके बाल झड़ सकते हैं, या फिर ज़्यादा कलर का यूज़ कर रहे हो बालों पर तब भी आपके बाल झड़ सकते हैं, या फिर ज़्यादा स्मोकिंग करने से, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो तब भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो ये हेयर लॉस के कारण हो गए। अब जानते हैं इसमें जो कंटेन मिले हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेन मिले हैं। इसमें एनर्जी है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। कुछ के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि जो प्रोटीन है बालों और त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है, और जो फैट है यानी फैट को वसा भी कहते हैं, यह जो है बालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है यह जो है सब्जियों में भी पाया जाता है, यह जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और बालों के लिए भी यह बहुत ही आवश्यक है। अब इसमें जो सोया प्रोटीन पाया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या सोया प्रोटीन है। इसमें जो सोया प्रोटीन है ग्लूटामिक एसिड है, DL मैंथोनोइन है, ल्यूसीन है, आर्जिनिन है, एस्पेरिक एसिड है। अब इसमें कुछ के बारे में बता देता हूँ मैं। जैसे कि ग्लूटामिक एसिड यह जो है तंत्रिका क्षति को रोकने का काम करता है। DL मैंथोनोइन जो है लीवर रोग से बचाता है और मूत्र को अम्लीकरण को ठीक करता है, जो मूत्र का अम्लीकरण है उसको ये ठीक करने का भी काम करता है। और जो इसमें आर्जिनिन है यह जो है मसल्स को जो मूवमेंट है या मसल्स के डैमेज को ठीक करने का काम करता है। अब इसमें जो विटामिन पाए जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या विटामिन है। इसमें विटामिन सी है, नाइसिनमाइड है, विटामिन ई है, कैल्शियम पेंटोथाइनेट है, फोलिक एसिड है, बायोटिन है। अब इसमें कुछ के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि विटामिन सी है यह जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है और त्वचा के घाव भी भरने का काम करता है। अब जानते हैं नाइसिनमाइड के बारे में। यह जो है आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है और चयापचय में मदद करता है। अब जानते हैं विटामिन ई के बारे में। यह जो है त्वचा के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है, यह जो है त्वचा को स्वस्थ रखने का काम करता है। अब जानते हैं कैल्शियम पेंटोथाइनेट के बारे में। यह जो है आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। अब जानते हैं फोलिक एसिड के बारे में। जो फोलिक एसिड है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। अब जानते हैं बायोटिन के बारे में। जो बायोटिन है बालों को झड़ने से रोकने का काम करता है। तो ये थे विटामिन्स के बारे में जानकारी। अब जानते हैं इसमें जो मिनरल्स मिले हैं उसके बारे में बता देते हैं। क्या क्या मिनरल्स हैं। ये जो इसमें मिनरल्स हैं वो हैं कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है। अब कुछ के बारे में बता देते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम है हमारे शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को धीरे धीरे कम करने का काम करता है।
अब जिंक के बारे में जान लेते हैं। जो जिंक है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और घाव भरने का भी ये काम करता है। अब जानते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर जो है पेट को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब जानते हैं सेलेनियम के बारे में। जो सेलेनियम है बालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है रक्त वाहिकाओं को ठीक करने का काम करता है, जिससे खून का जो संचार है सही से हो सके और हृदय की बीमारियों से भी बचाने का ये काम करता है सेलेनियम। तो ये इसके मल्टीविटामिन और मिनरल्स के बारे में जानकारी हो गई। अब जानते हैं इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं लाल दाने आ जाना, शरीर पर लाल दाने आ जाना और स्किन में सूजन का आना या फिर होठों में सूजन का आ जाना या बाल का ड्राई हो जाना या हेयर लॉस हो जाना होना ज़्यादा या फिर त्वचा पर जलन करना या त्वचा में जलन का होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से लें या फार्मासिस्ट की सलाह से लें। इसके जो डोज है उसके बारे में बता देते हैं। जो डोज है तो रोज़ एक गोली ले सकते हैं या रोज़ एक टेबलेट ले सकते हैं खाना खाने के बाद। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले सकते हैं। तो ये था बायोकेस एडवांस टेबलेट के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।